हेलो टेक चैनल, हर दिन की तरह टेक न्यूज का नया एपिसोड लेके आ गए। ढेर सारी टेक न्यूज पर आज बात करने वाले हैं। जाने के लिए लास्ट तक देखिए वीडियो। मैं वर्षा गौरव, देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। वेलकम बैक दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के बारे में। दोस्तों ये गेम लगभग जब से बैन हुआ है उसके बाद से चर्चा में बना हुआ है। फिलहाल इसका ओपन बीटा वर्जन भी लॉन्च हो गया, 5 मिलियन को क्रॉस भी कर चुका डाउनलोड में, लेकिन इसका जो पीछा है दोस्तों वो बैन नहीं छोड़ रहा है। अब लगता है कि एक बार फिर से इसके ऊपर तलवार लटकने लगी है और इसको लेके कंपनी ने कल एक स्टेटमेंट अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर जारी किया है, जिसमें बताया है कि जिस तरह का एलिगेशन उस पर लग रहा है कि उसका जो डेटा है यूजर्स का वो चाइना में सर्वर के लिए ट्रांसफर किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी इंडियन लॉ के मुताबिक ही काम कर रही है, लेकिन हाँ प्राइवेसी जो रूल रेगुलेशन है उसके मुताबिक थर्ड पार्टीज के साथ में वो अपने गेम को लेके डेटा शेयर जरूर करता है और वो डेटा चाइना में भी हो सकता है, कंपनी तरफ से कहा गया है। लेकिन हाँ प्राइवेसी को लेके ऐसा कुछ नहीं कि दूसरी कंपनियों को वो डेटा बेच रहा है। अब देखते हैं दोस्तों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है। चलते हैं इसके बाद अगली खबर की तरफ। फ्लिपकार्ट पर मोबाइल बोनांजा सेल स्टार्ट हो गई है, 4 दिन तक चलने वाली है। आईफोन सीरीज से लेकर रियलमी शाओमी तक के फोन्स पर आपको जबरदस्त दोस्तों ऑफर मिलने वाले हैं। 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा अगर आप HDFC कार्ड, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं अपने कार्ड में परचेज के लिए। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कोई भी फोन परचेज करना तो एक अच्छा बेहतर मौका हो सकता है, कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट वगैरह मिल ही जाएंगे। इसके बाद खबर है सैमसंग से। गैलेक्सी M22 स्मार्टफोन 2-3 दिन से चर्चा में बना हुआ है। कल मैंने आपको बताया था कि इसमें चार्जिंग कैपेबिलिटी 25 वॉट की मिलने वाली है, लेकिन बॉक्स के अंदर 15 वॉट का ही चार्जर सैमसंग देने जा रहा है। आज इसे ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन पर भी स्पॉट किया गया है। 6000 mAh की बैटरी मिलने वाली, 6.4 इंच की होगी, फुल HD+ डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल का होगा प्राइमरी सेंसर। फोन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है दोस्तों, मुझे लगता है कि शायद ये जून खत्म होने से पहले ही लास्ट वीक में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में लॉन्च किया जा सकता है। अगली खबर है एप्पल की आने वाली आईफोन सीरीज 13 के बारे में। इस सीरीज में दोस्तों 3 स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे, जैसे कि अभी तक रिपोर्ट्स आ रही है सामने। इसमें लीडार सेंसर हमें अब जो अपर वेरिएंट होगा उसमें देखने को मिलेगा। अब दोस्तों इसके प्राइस को लेकर भी लगभग हम 2-3 महीने पहले भी बात कर चुके हैं, एक बार फिर से इसकी जानकारी सामने आ रही है कि आईफोन 12 का जो टॉप वेरियंट है ना उससे प्राइस इसकी ज्यादा ही रहने वाली है। वैसे दोस्तों ज्यादा कम वाला ये सिस्टम तो एप्पल में चलता ही रहता है, इसकी प्राइस कभी भी कम नहीं हो सकती। यहां पर एक ताजा और भी जानकारी आ रही है कि इसका जो प्रोडक्शन है वो 86 मिलियन यूनिट्स का वो लगभग दोस्तों कंपनी गेन करने वाली है, यानी कि अंदर प्रोडक्शन जो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सितंबर अक्टूबर में कंपनी इसका लॉन्च इवेंट भी जल्दी कर देगी और जल्दी फोन हमें देखने को मार्केट में मिल सकता है। चलते हैं इसके बाद अगली खबर की तरफ। रूस के अंदर लिनोवो ने K30 Note आज लॉन्च किया है। 5000 mAh की बैटरी है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 चिपसेट इसमें दिया गया है, एक्सपेंडेबल मेमोरी भी है, वाटर ऑफ नोच सेल्फी कैमरा फोन के अंदर दिया गया है। वैसे दोस्तों लिनोवो इस समय खास तौर पर चाइना के बाहर ही, मतलब इंडिया के अंदर भी नहीं, इंडिया के बाहर की मार्केट में ज्यादा फोकस कर रहा है। इंडिया में तो इक्का दुक्का कोई साल में का फोन लिनोवो लॉन्च कर रहा है, लेकिन रूस मार्केट में ऐसा लगता है कि HTC की तरह लिनोवो भी खास ध्यान दे रहा है। अब देखते हैं दोस्तों K30 Note क्या इंडिया में कंपनी लॉन्च करती है आने वाले दिनों में, जो भी होगा दोस्तों आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। इसके बाद चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों दुनिया भर के पॉपुलर ब्रांड्स जो लोगों के बीच में अच्छी पकड़ रखते हैं उसमें कौन सा ब्रांड टॉप पर है, कौन सा ब्रांड लास्ट में है, इन सब चीजों को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है कैंटर की तरफ से। इस साल की रिपोर्ट भी कैंटर ने पब्लिश कर दी है ब्रांड्स नाम से, जिसमें कि सबसे टॉप पर है Amazon, लोगों के बीच में काफी पॉपुलर ब्रांड है और ये ब्रांड एप्पल और गूगल को भी दोस्तों पछाड़ चुका है। दूसरे नंबर पर एप्पल है, तीसरे पर गूगल है और अगर हम सैमसंग की बात करें तो ये दोस्तों 46वें नंबर पर है और शाओमी की बात करें तो 70वें स्थान पर इसे दुनिया भर के ग्लोबल ब्रांड्स में जगह मिली है। अगली खबर है इन्फ्रिक्स से। 160 वॉट का हाइपर चार्जर बनाने के बाद कंपनी लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हो चुकी है। अब कई दिनों से दोस्तों इस बारे में चर्चा चल रही थी कि कौन सा स्मार्टफोन होगा जिसमें 160 वॉट का चार्जर देखने को मिलेगा, तो फिलहाल इसको एक टीज भी ऑफिशियली कर दिया गया है। 0X नाम से एक फोन आने जा रहा है जिसमें कि हमें 160 वॉट का वायर्ड और 50 वॉट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा। वैसे और भी क्या स्पेक्स रहने वाले हैं इस स्मार्टफोन के और कब तक इसे कंपनी लेके आएगी इसके बारे में दोस्तों अभी कोई डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ फोन का नाम जरूर क्लियर
हो गया है, तो देखते हैं कब तक कंपनी इस बारे में कुछ और भी अनाउंस करती है। खबरों के बाद आज की लास्ट खबर है सैमसंग गैलेक्सी S22 के बारे में। कुछ दोस्तों कैमरा स्पेक्स टिप हुए हैं, बताया जा रहा है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलेगा, साथ में इम्प्रूव्ड और वाइड टेलीफोटो सेंसर भी मिलने वाला है, जिससे कि दोस्तों आप फोटोग्राफी को और भी ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन डिटेल में बताया जा रहा है कि S21 के मुकाबले में काफी इम्प्रूव्ड कैमरा मिलने वाला है। सेंसर को लेकर तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होने वाला है। अभी टॉप वेरिएंट बाकी है S22 Pro, S22 Pro Plus या जो भी होगा, या अल्ट्रा, देखते हैं दोस्तों वो कैमरा, उसके कैमरे कैसे मिलते हैं, कौन कौन सा सेंसर कंपनी उसमें देती है। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, कैसी लगी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े दीजिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।